ईश्वर ठाकुराम ध्रुव। आज हम ग्राम पंचायत डुमाहट आए हुए हैं, जो कि डुमाहट एक व्यक्ति है उससे मिलते हैं, जो कि इसको चोट कैसे लगा, उसे आके हम बात करते हैं उसको चोट कैसे लगा। आपका नाम क्या है मंगल सिंह। और जो ये चोट आपको कैसे लगा? मैं मेरा साडू बोला कि मेरा घर में खेती में 3 साल का गच्छ है, कहाँ तुम का? इंदिरा इंदा गांव का, गांव का। हाँ तुम लोग को अभी घर बना रहे हो, जाओ मेरा खेत में पुराना है उसको ले आओ बोला। हाँ तो मैं मेरा संगवारी मन को मैं बोला चलो वहाँ मेरा साडू घर में है तो हाँ उसको जाके ले आना है बोला। हाँ तो वहाँ गए थे? कितने गए थे पांच लोग गए थे? 5 लोग। 5 लोग। और उसका जो वहाँ से आप रिटर्न आ रहे थे कि क्या कर रहे थे तब चोट नहीं लगा? उधर से गिरली फान के ला रहे थे। हाँ हाँ ला रहे थे। और जो चोट वहीं लगा या कहीं और? नहीं बीच जंगल में लगा हाँ तो कैसे लगा चोट? चोट, उधर लेंजर टिप्पी लेंजर सब आए, तो सब आने के बाद आके सीधा फटाफट फटाफट घुनला घुनला के मारे। और चौदू कौन लोग कुछ नहीं समझते हो, भोजड़ी का खाली चोरी करते हो भोजड़ी का बोला। और गिरला गिरला के गया पहला जैसे मारे ये कहाँ मारे? बीच जंगल में। बीच जंगल में। हाँ बीच जंगल में मार दे, हाँ पैर टूट गया। हाँ 10 बजे रात के छोड़ के सब चले गए, हाँ आपको वहीं छोड़ दिए थे? वहीं छोड़ दिए थे, अकेला अकेला थे कि और आपके साथ और कोई और था? थे मैं पूरा रात भर ही आप वहीं जंगल रात में भर। थे? मैं रात भर अकेला था। हाँ रात के दोनों भालू भी आ गया था हाँ उसको, मेरे को थोड़ा सोच में आया कि भालू को है बोलने से भालू नहीं कहना। आप इस घटने के बारे में आप क्या जानते हैं? हम लोग ला रहे थे उस काम का लकड़ी वहीं से, तो अचानक हम लोग पीछे आए डिप्टी कहाँ मैनेजर अगर भी कहाँ से ला रहे थे? इना गाँव मनु के खेती से। हाँ और कितने लोग गए थे? 5 आदमी। 5 आदमी। हाँ और ये घटना कहाँ हुआ? ये स्वर्णा माल के सामने जस्ट 25 कदम के पास। और वो एक घटने के बारे में विस्तार से आप बताइए कि ये कैसे हुआ। ये हम लोग 5 आदमी ला रहे थे, सूखा पेड़ था वहीं से, तो लाने के बाद वहीं डिप्टी ने जरा अगर कुछ 5 आदमी थे तो वहीं पे 6-7 आदमी आए और पकड़े हम लोगों को। और उसी के बाद पूछताछ नहीं के मारने ही लग गए, मारने ही लग गए। तो मैं 4-5 आदमी मुझे पकड़े थे और एक आदमी ना वो कुछ लेंजर था वही जाके मार पीट करने, वैसे घूम फिर के वैसे मारते रह गए। तो तो किसे छुड़ा मारे, किसे हाँ हाथ में लाठ मारे कि लाठी नहीं में या लाठी किसे? में लाठी में जो सफेद लाठी था उसी में मारना ही चालू कर दिए। हाँ छुड़ाने के लिए मैं भी गया था उसी के पास, तो उल्टा घूम के मुझे ही मार डाला वो जो लाठी वगैरह पकड़े थे वही आदमी। आपको मारपीट किए, उसके बाद आप वहाँ थे या कहीं थे? नहीं मारपीट के उस समय थे और थोड़ी देर बाद वहीं से मैं निकल के आ गया, उसके बाद ना फरार होके आ गया मैं। उसके बाद आके मैं गांव वाले के पहुंचा, उप सरपंच भी बोला चलो यहीं मारपीट किए हैं हमारे जो लकड़ी वकड़ी ला रहे थे उसी के पास वहीं पड़ा है, वो मारपीट किए हैं तो वहीं छोड़ दिया हूँ और मैं फरार होके आ गया हूँ। मैं वहीं आके उप सरपंच गाँव में बोला मैं। हाँ तो आप उसके बाद वहाँ तुरंत गए कि उसका नेक्स्ट दिन गए? नहीं नेक्स्ट दिन गया मैं सुबह। उसके लेकर गए और उसका बाद क्या किया उसका? उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग गए और 11-12 बजे 2 बजे तक करीबन थाना में जाके FIR दी हम लोग। हाँ और मेरा नाम चेतन ध्रुव है, ग्राम पंचायत का डुमाहट का मैं उस सरपंच हूँ। हाँ तो इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? इस घंटा इस घटना के बारे में मैं कल घर में था। हाँ तो टूरा लोग आया मेरे को बताया कि हाँ एक जन को सोना मार के बीच में हाँ मार दिया है, चलो देखने के लिए बोला तो मैं गाड़ी पकड़ के गया सोना मार। तो सोना मार गाने के बाद इसको पूछा कि कौन मारा तेरे को? नहीं मेरे को लेंजर फॉरेस्ट गार्ड आके बिना पूछे बहुत मारा। किस में मारा? नहीं वो लोहा वाला डंडा में मारा, जैसा पैर मारा जैसा पैर टूट गया तो यहीं से पड़ा हूँ मैं रास्ता में बाबू। बोला अरे कोई उभिस्ता नहीं है बोले। उसके बाद मैं गया थाना, थाना में बोला नहीं इस प्रकार वहाँ हुआ है, बोला TI को तो ठीक है उसको जाके लेके आओ यहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे। ऐसे से बोलने के बाद गाड़ी खोजा, फोन करते करते गाड़ी गोहरा पदर में मिला तो स्कार्पो को बुलाया, गाड़ी लेके गया और उसको उठा के लाया थाना। तो थाना अंदर में घुसाया, उसके बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए इसको बयान पूछने के लिए आया मुंशी। तो मैं उसका तकलीफ को देख जल्दी लेना है हॉस्पिटल बोला, मुझे मेरा ऊपर भीड़ जा रहा था तो मैं भाग गया अंदर TI के पास जाके बैठा। तो क्या क्या लिखा जो मेरे को पता नहीं, कैसे कैसे केस लिखा। उसके बाद मैं और फिर इसको गाड़ी फिर गाड़ी मंगाया और फिर इसको मैनपुर भेजा। तो मैनपुर से
डॉक्टर के पास ले आया तो डॉक्टर ने वहाँ पट्टी उट्टी बांध दे के उसको घर भेज दिया रात में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंत कुमार मरका, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डुमाघाट और आदिवासी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमली पदर। हाँ, तो आपको इस घटना के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? इस घटना के बारे मुझे जानकारी फोन के माध्यम से, मैं उप सरपंच फोन के माध्यम से मुझे अवगत किया। हाँ। कि हमारे यहाँ मंगल सिंह को डिप्टी रेंजर के द्वारा बहुत मार दिया है, जो उसका पैर टूटा हुआ है और बहुत सारा ब्लड ब्लड निकला हुआ है और वो जंगल में पड़ा हुआ है। मामा क्या करना है करके पूछा तो मैं उनको बोला कि तुरंत उनका FIR करो, थाना ले जाओ। और जैसे वो थाना लिए और इलाज कराने के बाद मैं तत्काल इसको देखने आया, आके देखा कि इनका पैर वाकई में हड्डी टूटा हुआ है और बहुत सारा ब्लड ब्लड गया है। उसका कपड़ा में आप देख सकते हैं, ये सब उसका चद्दर है, साफी है, इसमें बहुत सारा ब्लड गया है। और मिली जानकारी के अनुसार मैं मंगल सिंह को पूछा तो मंगल सिंह का कहना है कि उनके साड़ू इंदा गांव में रहते हैं और साड़ू के खेत में पुराना लकड़ी 4-5 ठू पड़ा हुआ था, तो उस लकड़ी को इनके द्वारा अपने घर उपयोग के लिए ला रहा था। लाने के बावजूद डिप्टी रेंजर बिडगार्ड पूरे विभाग के लोग रात के 10 बजे सोनामाल जंगल के बीच में आए और इनको बिना पूछा पाछी से जबरदस्ती का मारपीट किए और इनके कहने के अनुसार इनको इतना पिटाई किए, कहना है इसका कि मेरे को आज भी शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, पैर में इतना ब्लड गया, खून गया और मेरे को मार के वहाँ पर रात भर छोड़ दिए थे, इनकी कहना है। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वन विभाग के जो भी है रेंजर डिप्टी रेंजर, उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, उनको पकड़ के जेल ले जाना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था। जिस तरह से इसको जो मार पीट किए हैं ये बहुत गलत है, वैसी हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इनका जंगल से चोरी भी कर रहा था, लकड़ी भी रहा था, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जिस टाइप से इनको मार पीट किए हैं ये निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे आदिवासियों के खिलाफ में इस टाइप का रंजिश करके मारपीट करने वाले के अधिकारी के खिलाफ में उच्च कार्रवाई होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से जिला के कलेक्टर DFO से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गलत कार्रवाई करने वाले के विभागीय अधिकारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और मीडिया के माध्यम से मैं उच्च अधिकारी को अवगत कराना चाहूँगा कि मैं इस ग्राम पंचायत की एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे जनता के साथ इस टाइप का अधिकारी लोग हरकत करेंगे, जाति सूचक शब्दों से गाली देंगे। उन्होंने मंगल सिंह के द्वारा ये भी बोला जा रहा है गौंड लोग कुछ नहीं सुधरोगे, हमारे जाति सूचक शब्दों का उन्होंने उपयोग करके जिस टाइप से जो इनके साथ मारपीट हुआ है, तो इससे मैं भी दुखी हूँ कि हमारे जाति शब्दों का उपयोग करके उन्होंने जो इनको मारा पीटा है। तो मैं चाहूँगा उच्च अधिकारी को उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो मैं इनके साथ और गांव के जनता को लेकर के इनके खिलाफ में नेशनल हाईवे 130 पर धुरुआगुड़ी में चक्का जाम करने के लिए भी मैं जनता के साथ रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, कार्रवाई नहीं होता है तो। हेलो रेंजर साहब नमस्ते। नमस्कार, सुनो ना, ये कल परसों जो घटना हुआ है, मैं मिला था उनसे मंगल सिंह से। हाँ। उनका कहना है वो लकड़ी तो ला रहा हूँ बोल रहा है इंदा गांव से, अपने साड़ू के खेत में पड़ा हुआ था पुराना लकड़ी। तो ये वो लोग पकड़ने के बाद हमको पूछा पाछी कुछ भी नहीं किए, जबरदस्ती ये लोग मारपीट किए और बहुत सारा पीटे भी है, पैर में टूटा उटा हड्डी है कहना है, तो कैसे उन लोग को पूछा पाछी नहीं किए क्या? मेन रास्ता में इधर उधर सब भागने लगा, जुमा झाटी हुआ है उस समय रात में। हाँ, इधर उधर पकड़ने के लिए इधर उधर सब भागा। भागने की वजह से मारना पड़ा क्या? नहीं मारने नहीं पड़े, थोड़ा बहुत जुमा झाटी हुआ होगा सर। बहुत लगा है सर, उसका हड्डी टूटा हुआ है पैर का। नहीं हड्डी पे तो आते तो आप भी तो थे होंगे ना वहाँ? हाँ मैं भी थे, लेकिन सब अलग अलग सब रहे। अब जुमा झाटी हुआ होगा, मैं मार रहा हूँ।
लेकिन हड्डी चाट रहे हम लोग उसी नहीं पीटे हैं यार। उनका कहना है सर बहुत पीटे हैं करके, सर उन खुद बोल रहा है। हैं उसके बाद सुनो ना, मारपीट हुआ, पीटे मारे जो भी है, उसके बाद उनको जैसे वो बैला वैला और एक लड़के को लेके आ गए, तो उनको भी लेके आना चाहिए था, वहां छोड़ के आ गए रात को। नहीं मेन कारण क्या है, उधर पहाड़ी से 10-12 तो टाट लेके नीचे उतर हाँ। रात में हाँ, इसलिए तो वो सब जग डर गया। इन लोग पहले निकल गए बैदर को निकल के ले लू आके सब चौकीदार, बाकी तो सब वही तरफ नहीं दसबारा जब कहा से पकड़ के। नहीं सर लेकिन मारपीट हुआ ठीक है, मारे जैसा भी हो झुमा झटकी हुआ मारे पीटे, उसके बावजूद उनको भी लेके आना चाहिए था ना, वहां पर छोड़ देना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं वो तो है लेकिन हम लोग वही डर गया, वहां से ऊपर से पूरा निकला उतरा है 10-12 लोग क्या। ओ तो सर जंगल अंदर 10 बजे चल गए हो, डरने की क्या जरूरत था, उसी को उठा के बस ले आते, उतने ही समय लगता। नहीं समय नहीं लगती। और ना आपको ना पकड़ के जितने पकड़े उतने को लाते तो बाकी तो पकड़वाते ना, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए था सर। नहीं पकड़ने के बाद मारपीट नहीं किया है सर, उसी समय दौड़ा धूपी हुई सोई ना, तभी झुमा झटकी हुआ होगा। वो तो दौड़ा नहीं बोल रहा है, सामने वाला एक आदमी बोल रहा है मेरे को 4 जने पकड़े थे भैया, और मेरे को भी पीटे, पीछे से भी मारे, और जो है ना उसको भी पकड़े और सीधा मारे, तब मैं ना भागा बोलता है दूसरा आदमी जाने। तो मेरा कहना है कि ठीक है मारपीट हुआ या गुस्से उससे में जो भी पीटे मारे, उसके बावजूद तो उनको उठवा के ले आना चाहिए था, वहां पर जंगल में छोड़ देना ये भी ठीक नहीं है, मारे तो गलत है और छोड़ देना भी गलत है। मेरा कहना भाई आप कानूनी कार्रवाई करते तो हम आप वो तो गलत नहीं बोलते ना कि नहीं सर क्यों गलत किए, क्यों कार्रवाई की, आपका हक है कि आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, उनको जेल भी भेज सकते थे, जब्ती कर सकते थे, लेकिन ये मारपीट होने के बाद उसका पैर वैर में फ्रैक्चर टूटने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो कभी बोला हूँ क्या आपको मैं? नहीं बोले तो सही के लिए बोलता, आप बोलेगा तो सही के लिए, कभी गलत तो नहीं बोलेगा साहब। मैं गलत गलत ना बोलता हूँ ना गलत का सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। नहीं वो मार रहा हूँ मरकाम जी आपकी बात नहीं, वो चोरी कर रहा था, चोरी करके ला रहा था, वो गलत है मैं मान रहा हूँ, वो सही नहीं है, लेकिन आप उनको पकड़े तो आप गलत, आप भी गलत कर बैठे ना, ये ठीक नहीं तो, है। गलती वही हुआ जब वहाँ रिस ना उसको उठा नहीं लाया। हाँ नहीं जैसे तो चोरी कर रहा है लकड़ी ले रहा तो गलत है, तो आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, आप भी गलत कर बैठे उनके खिलाफ मारपीट कर दिए तो ये गलत है ना। लेकिन वही है मारे पीटे वो भी टे है, उसके बाद छोड़ के भी आ गए सर, इसलिए मैं ना रेंजर कारण का है ऊपर से आया ना 10-12 हम लोग वही सोचे जंगल वाला हरी का के जंगल वाला को डरते तो 10 बजे कहाँ जाते साहब सोना मार। अब क्या करेगा डर के मारे। अब रात में पूरा स्टाफ सोनामाल जा सक रहे हो, पूरा दिन दहाड़े जंगल को काट रहे हैं, आए भाई देख रहे हो हैं? दिन में जाओ पूरा स्टाफ कार्रवाई करो सिस्टमेटिक भाई, रात में जा रहे हो तो मतलब दिन में भी करो कैसे। वो तो ठीक है मेरा कहना, मैं सही चीजों के लिए बोलता हूँ सर, गलत चीजों के लिए नहीं बोलता हूँ। सही के लिए वो सही के लिए बोलता है, सही के लिए वो करता। अब उनको मारे पीटे वो भी जैसा आपके स्थिति बना वैसे किया, लेकिन ब्लड नहीं आता, उसका फ्रैक्चर नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं आता तब भी, ऐसी स्थिति नहीं आता तब मैं आपको ये शब्द नहीं बोलता है नहीं। अब मेरे पास गांव के लोग हैं बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा ना। नहीं बोलेंगे आप ही पास आएगा, जो भी समस्या होगा तो जो भी है जी माना। चलो ठीक है सर, अभी तो फिर जाएंगे बोल रहे हैं, उनका रिपोर्ट रिपोर्ट भी ठीक ठाक नहीं किए हैं, वही थाना जाएंगे बोल रहे थे, मेरे पास भी आए थे, मैं बोला चलो चलते हैं थाना भी जाएंगे, हो सके तो आपके ऑफिस भी आ सकते हैं उनको लेकर, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कहना है कार्रवाई नहीं होगा तो मैं वन विभाग या थाने में ही बैठ के अपना उनके खिलाफ करूंगा, उनका कहना है। अभी अभी हम लोग गए थे उनका कुछ पूछ रहे थे तो वही बोल रहा है, तो मैं सोचा चलो रेंजर साहब को भी हर चीजों को फोन लगा के पूछता हूँ, बोलता हूँ, क्यों ना आज भी ये विषय पर उनसे जानकारी लिया जाए, उनका क्या कहना है करके मैं आपको लगाया था।
और तो जानते हो जब कभी कुछ होता है ना, मैं चुपके चापके वाला काम और बात नहीं करता, डायरेक्टली पूछता हूँ क्या सही क्या गलत है भाई करके, है नहीं? और मारपीट की नौबत नहीं होता तो आपको मैं फोन करके भी इतना सारा सुनाने की वो भी नहीं आता। वो तो मानत मानता हूँ जी। ठीक है सर, है हेलो हेलो जी, वरुण जैन जी से बात हो रहा है? हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं न्यूज रिलीज से प्रधान संपादक बोल रहा हूँ, ठाकुर राम ध्रुव जी। जी मैं वही पूछ रहा था सर, जो 37 तारीख का घटना है डुमाहाट का, जो मंगल सिंह है, तो उसके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी देना था सर, लेना था आपसे। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था जो 37 तारीख का घटना है, तो हम लोग को उसके हाँ तो मंगल सिंह को चोट कैसे लगा उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं सर, कुछ जानकारी? मंगल सिंह आया है जी, अब उसका जो है जांच प्रतिवेदन जो है अभी अपराध है जी, उसमें आया तो यही है प्रथम दृष्टया कि जो है कटाई करने लोग गए थे जंगल में और अपन बरामद किए हैं, सब किए हैं इनका जी। और बाकी जो है अभी जो स्टाफ द्वारा जो पता झूमा झटकी भी हुई है जी, हाँ तो उसमें इनको कैसे चोट लगी अब वही जो है वो जांच है, वो अभी जांच चल रही है, उसके बाद में ही कुछ कहना उचित हो पाएगा जी। मैं बोल रहा था सर, दो पक्ष है उसमें, एक पक्ष हमारे कहते हैं कि भाग रहे थे उससे इनका बैल जीता है, हाँ। दूसरी पक्ष है जो उनका भी वही है कि हमने मारपीट की है, तो अब वो एक बार शायद पुलिस ने भी शायद उसको संज्ञान में लेते हुए FIR तो दर्ज की है जी। हाँ तो पर हमारे लोग तो जो है अपने स्टाफ सब निहत्ते ही गए थे वहाँ पे कार्रवाई करने और उनका लकड़ी जब्त की जी, वहाँ जब्त किए है ना सर, तो उसके बाद देखे होंगे मंगल सिंह को, मतलब वही जंगल में देखे हैं, तो उसका कम से कम फ्रैक्चर हो गया या झुमा झटकी हुआ, तो मतलब वो वही हाँ वही पड़ा हुआ था सर, और जो कुछ भी उन लोग का जो बरामद हुआ सामान तो उसको ले आए थे, है ना सर? बरामद वाला तो हम उसको ले आए थे, बैल को लाए हैं, कुछ जो है सागौन के लट्ठे बरामद हुए हैं वो भी ले आए जी, और एक जो दौड़ के समझ है कल जी, और कोर्ट चालान भी जो है इसका प्रस्तुत करेंगे जी। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद सर।